बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे रातों की नींद उड़ा देने वाला पावरफुल हफ्ते के हवाले से। ये एक हफ्ता बहुत कुछ बदल के रख देगा, रिकॉर्ड तोड़ देने वाला यानी रिकॉर्ड तोड़ फायदा देने वाला हफ्ता। वीकली प्रेडिक्शन 11 मार्च से लेके 17 मार्च 2024 के हवाले से हम बात करेंगे। अब तमाम से रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें, बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि आने वाले हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। 11 से लेके 17 मार्च क्या कुछ लेके आ रहा है आपकी जिंदगी में। एरीज से लेके पाइसेस तक हम बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे एरीज के हवाले से। आपके अंडर में जितने भी जूनियर्स हैं या सीनियर जो लोग भी आपके साथ हैं, इवन आपके बॉसेस आपको सपोर्ट करते हुए नजर आएंगे, यानी रिलेशंस के हवाले से भी ये हफ्ता आपके लिए बड़ा ही जबरदस्त जाने वाला है। पहले हफ्ते के पहले हिस्से में आपको नए नए आइडियाज का आना, आपका क्रिएटिव होना, इनोवेटिव होना, आपको नए नए रास्ते सुझाई देना, ऐसा कुछ मुमकिन होता हुआ नजर आएंगे। क्रिएटिव रहोगे, इनोवेटिव रहोगे और आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस और आपका विल पावर बहुत ही ज्यादा बूस्ट करेगा। पैसे कमाने का जुनून आपके अंदर सवार रहेगा। याद रखिएगा, बुध यानी कि वेनसडे तक कोई भी इंपॉर्टेंट काम करना चाहते हैं उसको निपटा लें, क्योंकि इसका मौका बाद में नहीं मिलेगा। वेनसडे से ऑनवर्ड्स यानी थर्सडे से ऑनवर्ड्स आपके लिए थोड़े से मामला बहुत ही गंभीर रहेंगे कि आप कोई काम कर नहीं पाओगे, आप पे वर्कलोड ज्यादा रहेगा या तो आप बिजी बहुत रहोगे, इसलिए जो काम करना है वेनसडे तक निपटा दें। यानी इन शॉर्ट थर्सडे से संडे तक कोई भी बड़ा काम आप करने जा रहे हो तो मत करें और नेक्स्ट वीक पे इसको पोस्टपोन करने में बेहतरी रहेगी। यानी ये जो हाफ आपका जो वीक है वो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक, जैसे मैंने कहा ना रातों की नींद उड़ जाएगी, तो ऐसा कुछ होने जा रहा है। तो कोशिश करें परिंदों को दाना खिलाना, बाजरा, जौ या जो भी वो खाते हैं वो उनको खिलाएं, और जौ का जो भिगो कर उनको देना वो और ज्यादा स्वभाव का काम होगा, तो इससे आपके मामला काफी सॉल्व होते हुए नजर आएंगे। अब हम बात करेंगे टॉरस यानी बुर्ज सौर के हवाले से। थोड़ा लड़ने झगड़ने वाला शुरू का हफ्ते का कुछ हिस्सा रहेगा, यानी कि आप बात बात पे चिढ़ जाओगे, बात बात पे बुरा मान जाना या हाइपर हो जाना, एग्रेसिव हो जाना, कम्युनिकेशन में गड़बड़ी होना, जिद्दी हो जाना, इस किस्म का कुछ वक्त देखा जाएगा, जिसकी वजह से हस्बैंड वाइफ की रिलेशंस, आपकी लव लाइफ से आपके रिलेशंस, आपके माँ बाप, आपके दूसरे रिश्तेदारों से रिलेशंस पे बिगाड़ पैदा हो सकता है। इस हफ्ते में आपके लिए कुछ ऐसे हालात बनेंगे कि आपके इनकम में बूस्ट आएगा, अच्छा पैसा कमाते हुए दौलत समेटते हुए आप लोग नजर आओगे, लेकिन आपके ओवर थिंकिंग, ओवर एनालिसिस करना, ये थोड़ा सा मामला बिगड़ेगी, तो इससे थोड़ा सा परहेज करना पड़ेगा। कहीं घूमने फिरने का आपका योग बन रहा है, या तो कोई मजहबी जगह जाने का या फिर घूमने फिरने, सैर सपाटे, समंदर किनारे, दरिया किनारे, हिल स्टेशन वगैरह जाने के भी चांसेस बढ़ सकते हैं। इस हफ्ते काफी प्रोफेशनल रहोगे, आपका परफॉर्मेंस लेवल बहुत हाई रहेगा और काफी बेहतरीन काम करते हुए नजर आओगे। पेट के प्रॉब्लम यानी डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स वगैरह रह सकते हैं, पेट दर्द, कॉन्स्टिपेशन, मोशन की शिकायत रह सकती है। अब हम बात करेंगे जेमिनी के हवाले से। आपके हस्बैंड वाइफ की रिलेशंस बहुत अच्छे रहेंगे, घूमते फिरते सैर सपाटा करते नजर आओगे। आपका रुका हुआ पैसा, स्टक मनी कोई है तो वो रिलीज होता हुआ आपको नजर आएगा। आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बना रहेगा और आपके विल पावर में इजाफा होना, आपका क्रिएटिव इनोवेटिव होना आपको नेक्स्ट लेवल पे लेके चला जाएगा। याद रखिएगा, करियर में अपने स्टाफ के साथ, अपने सीनियर्स, अपने जूनियर्स, तमाम का सपोर्ट आपको रहेगा, और अगर कारोबार करते हैं तो वहाँ अपने वर्कर्स के साथ आपको बड़ा भरपूर सपोर्ट मिलने वाला है। यहाँ तक कि सरकार या गवर्नमेंट की तरफ से कोई गुड न्यूज सुनने के भी चांसेस बढ़ रहे हैं। कोर्ट कचहरे के केसेस थे, पुलिस केस थे, FIR थी, वो भी आपके फेवर में जाते हुए नजर आएंगे। आपका कोई कॉन्फ्लिक्ट, कोई लड़ाई झगड़ा चल रहा था तो वो भी सुलझते हुए आपको नजर आएगा। अब हम बात करेंगे कैंसेरियंस यानी कर्क राशि के हवाले से। आपकी उम्मीदें पूरी करने का ये हफ्ता, यानी कि आपकी ख्वाहिशात पूरी होते हुए नजर आएंगे। आपके अंदर एक मोटिवेशन होगा काम करने को और काम करने का दिल चाहेगा, परफॉर्मेंस 100% देते हुए नजर आओगे। लेकिन इस हफ्ते थोड़ा सा चिड़चिड़ापन, गुस्सा ज्यादा रहेगा, कम्युनिकेशन में गड़बड़ी भी देखी जा सकती है, इसको कंट्रोल करना पड़ेगा। अपने वालदेन की हेल्थ के हवाले से थोड़ा सा आपको काम करना पड़ेगा, उनकी सेहत का ख्याल रखना पड़ेगा। इस हफ्ते में सांस के हवाले से कोई प्रॉब्लम हो सकता है तो इसका ख्याल रखिएगा। योगा, जिम, एरोबिक्स करना जरूरी हो जाएगा, थोड़ा सा अपने आप को फिट रखना पड़ेगा तो जाके आप अपने अच्छे काम तरीके से कर पाओगे। इस हफ्ते लेजीनेस की वजह से प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, थोड़ा सा एक्टिव रहिएगा। अगर गोल्डन अपॉर्चुनिटीज को अवेल नहीं किया तो हाथ से निकल जाएंगे, इस हफ्ते आने के बड़े चांसेस हैं। आपका स्लोगन होना चाहिए कि जो काम आपको करना है वो उसी वक्त कर लें, कल पे मत टालें, और एक लिस्ट बना लें कि आज क्या क्या करना है। अब हम बम्पर शेयरों यानी लियो सिंह इज द किंग के हवाले से बात करेंगे। आपका खर्चा अपनी हेल्थ पे या अपने वालदेन की हेल्थ पे इस हफ्ते हो सकता है। कोई मुकदमे आप पे चल रहे हैं या कोई इस तरह की चीजें, उसमें उलझने के चांसेस बढ़ जाएंगे, तो यहाँ थोड़ा सा मोहतात रहिएगा, कॉन्फ्लिक्ट्स में मत पड़िएगा। कोई भी कर्जा लेने जाओगे लंबा चलेगा, इसलिए कर्जा लेने से थोड़ा सा गुरेज करना है। आपका एनर्जी लेवल टॉप पे रहेगा, घूमते फिरते सैर सपाटा करते फैमिली के साथ घूमते आप लोग नजर आओगे। अब हम बात करेंगे विरगो यानी बुर्ज शिमला के हवाले से। आपके लिए इन्वेस्टमेंट और सेविंग्स के नए योग बन रहे, पैसा जमा कर पाओगे। जो भी इन्वेस्टमेंट करोगे उसको आगे आने वाले दिनों में बहुत अच्छी तरह वसूल भी करते हुए नजर आओगे। कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले किसी मेंटर, किसी बड़े की सलाह मशवरा जरूर कर लें।
आपके खिलाफ कार्रवाई करने वाले खुद फंस जाएंगे और आपके कंपटीटर्स को पछाड़ते हुए आगे निकलते हुए आप चले जाओगे। आंखों के दर्द की शिकायत रह सकती है, आंखों को टेस्ट करवा लेना बेहतर है, नंबर बढ़ने की शिकायत हो सकती है। आप कोई प्लानिंग ऐसी करने वाले हैं जो आगे आने वाले वक्त में भरपूर तरीके से आपको फायदा देने वाले हैं। जो भी प्लानिंग करो उसको लिख के रख लो, ये बड़ा फायदा देने वाले। अब हम बात करेंगे लिब्रा यानी बुर्ज मीजान के हवाले से। अपनी गाड़ी की मुरम्मत करते या नई गाड़ी खरीदते हुए कोई नई व्हीकल लेते हुए आप लोग नजर आओगे। घर की रिनोवेशन, पेंटिंग, टाइलिंग या घर के अंदर इंटीरियर पे खर्चा करते हुए नजर आओगे। इवन अपने लग्जरियस लाइफ के लिए भी इस हफ्ते बहुत ज्यादा मूड स्विंग्स होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। आप अनप्रेडिक्टेबल नेचर के हो सकते हो, यानी कि आपसे लोग घबराने लगेंगे कि अभी क्या बोल रहा है, अभी क्या कर रहा है, अभी क्या सोच रहा है, इस तरह कुछ होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। इस हफ्ते अपने बच्चों के एजुकेशन पे कुछ बड़ा खर्चा करते हुए आप लोग नजर आओगे। या क्रिप्टो गोल्ड शेयर में इन्वेस्टमेंट करना आपके लिए भारी फायदेमंद साबित हो सकता है। क्लाइंट्स के साथ थोड़ी नाराजगी हो सकती है, कुछ इनके रिलेशन में तलखी आ सकती है। अब हम बात करेंगे स्कॉर्पियो यानी बुर्ज अक्रब के हवाले से। नए कॉन्टेक्ट बनाते हुए सोशल एक्टिविटीज आपकी बहुत ही ऊपर होंगी, बहुत ज्यादा काम करोगे। कुछ गेस्ट, कुछ मेहमान आते हुए नजर आएंगे या आप किसी के घर मिलने जाओगे, ऐसे भी हालात बनेंगे। आपका फेमस होना आपको रिकॉग्निशन अवार्ड या रिवॉर्ड से नवाजे जाने इस हफ्ते देखा जा सकता है। आपके इर्द गिर्द से मिलने वाली हेल्प या सपोर्ट मिलना या आपके पैसे में भरपूर इजाफा करेगा। अपने फाइनेंशियल टारगेट्स को अचीव करने के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाओगे जिससे आप कामयाब भी हो सकते हो। अपने मेंटल बैलेंस को आपको थोड़ा सा केयर करना पड़ेगा, आपका ज़हनी तवाज़ुन बिगड़ सकता है। अपनी वालदा की हेल्थ के हवाले से भी थोड़ा ख्याल रखना पड़ेगा। अब हम बात करेंगे सेजिटेरियस यानी बुर्ज कॉस के हवाले से। आपकी फैमिली मेंबर्स में काफी अट्रैक्शन रहेगी, आपस में बनी रहेगी, अच्छे माहौल में रहोगे। आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशन अच्छे रहेंगे, लव लाइफ अच्छी रहेगी और बहन भाइयों माँ बाप से अच्छे आपके ताल्लुकात रहेंगे। अपनी औलाद की तरफ से भी कोई अच्छी गुड न्यूज आपको मिल सकती है। अपनी फैमिली के अलावा अपने घर के अच्छा करने के या रिनोवेशन वगैरह करने के हवाले से टाइलिंग पेंटिंग वगैरह के अंदर भी अच्छा खर्चा करते हुए नजर आओगे। आप में से जो लोग कोई नया प्लॉट, कोई नई प्रॉपर्टी, कोई नई जमीन या फ्लैट लेना चाह रहे हैं उनके लिए भी भरपूर मौका मिलेगा। अपने घर के इंटीरियर में कोई नया इजाफा करने के लिए भी बेहतरीन योग बनते हुए नजर आएंगे। आपने जो हुनर सीखा है, जो स्किल्स लिए हैं, उसके भरपूर फायदे लेने का ये टाइम रहेगा। आपके कोई काम रुके हुए थे तो अब आपके स्किल्स की वजह से वो काम सुलझते हुए आपको नजर आएंगे। आपकी लाइफ में कुछ बड़ा होने को जा रहा है इस हफ्ते। अपनी ENT के हवाले से, अपनी आंखों के कान नाक के हवाले से, थ्रोट के हवाले से थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ेगा, वायरल इन्फेक्शन वगैरह हो सकते हैं। अब हम बात करेंगे कैप्रिकॉर्न यानी बुर्ज जद्दी के हवाले से। आपकी पूरी एनर्जी अपने रुके हुए कामों को सुलझाने में चली जाएगी और इसमें कामयाब होते हुए नजर आओगे। आप अपने वर्क प्लेस में कुछ नया बदलाव देखोगे, या तो ऑफिस में कोई नया मैनेजमेंट का आना, या आपका डिपार्टमेंट का चेंज होना, या आप अगर कारोबार करते हैं तो वहाँ पे अपने वर्कर्स के अंदर कुछ नई तकरारी करना, कोई नए वर्कर्स लाना, कोई नई मशीनरी लाना, कुछ ना कुछ चेंजेस करते हुए आप लोग नजर आओगे। अपने गोल्स को अचीव करते हुए, अपने टारगेट्स को पूरा करते हुए इस हफ्ते आप लोग नजर आओगे। आपके लिए इनकम के नए रास्ते खुलते हुए इस हफ्ते नजर आएंगे। कई हफ्तों पुराना कोई काम बनता हुआ नजर आएगा, कोई पेंडिंग पे काम पूरा होता हुआ इस हफ्ते आपको नजर आएगा। कोई नए प्लान्स किए थे तो उनको एग्जीक्यूट करने के लिए इस हफ्ता बड़ा बेहतरीन रहने वाला। बस मन आपका कुछ ऐसा चलेगा कि काम को पेंडिंग पे डालते हैं, आज नहीं कल कर लेंगे, कल नहीं परसों करते हैं, ऐसे इन चीजों से बचना होगा। अब हम बात करते हैं एक्वेरियस यानी कुंभ राशि बुर्ज दल के हवाले से। आपका मेंटल स्ट्रेस का लेना, थोड़ा टेंशन में आना या चिड़चिड़ापन गुस्सा दिखाना ये बनता नजर आएगा इस हफ्ते, जिसकी वजह से अपने रिलेशंस में गड़बड़ी देखोगे। अपने माँ बाप, बहन भाइयों, अपने हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस, लव लाइफ के साथ, इवन दोस्तों के साथ अनबन होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। याद रखिएगा बुध यानी वेनसडे तक ऐसे हालात रहेंगे, उसके बाद हालात काफी बेहतर होते हुए आपको नजर आएंगे। पैसे कमाने के नए रास्ते आपके बनेंगे, इन्वेस्टमेंट करने, सेविंग्स करने के ऑप्शंस आपके सामने आएंगे। इसके अलावा कोई बड़ी डील, कोई बड़ा ऑफर, कोई बड़ा प्रोजेक्ट मिल सकता है जिसका फायदा आप उठा सकोगे। गोल्डन अपॉर्चुनिटीज को अवेल करने की कोशिश कीजिएगा। आप कोई बड़े ट्रैवल टूर पे जा सकते हो, वर्ल्ड टूर पे, या अपने अंदरूनी शहर बैरूनी शहर का दौरा, जो बहुत ज्यादा फायदेमंद आपको हो सकता है। कोई भी टूर का प्लान बनता है तो उसको पोस्टपोन मत कीजिएगा, उससे भरपूर फायदा उठाने की कोशिश कीजिएगा। अब हम बात करेंगे पाइसेस यानी बुर्ज हूत के हवाले से। आप जितने एफर्ट्स करोगे उसका 50% आपको नजर आएगा वसूल होता हुआ। लेकिन याद रखिएगा ऐसा है नहीं, आप जैसे जैसे एफर्ट्स लगाते जाओगे आपके रिजल्ट्स बढ़ते चले जाएंगे, पिछले की भी कोशिशें भी रंग लाने के चांसेस बढ़ जाएंगे। गोल्ड में, क्रिप्टो में, क्रिप्टो की मार्केट बहुत ऊपर चढ़ी, शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना बहुत सूदमंद रहेगा, प्राइस मनी लॉटरी के इनामी रकम लगने के भी चांसेस बढ़ जाएंगे। स्टूडेंट्स के लिए भी बड़ा अच्छा रहेगा, कंपटीशन कॉन्टेस्ट में कामयाबी मिलना और हर लिहाज से बेहतरीन करते हुए नजर आएंगे। अपने कारोबार में कोई नया प्रोडक्ट का लॉन्च करना ये आपके लिए मुमकिन रहेगा। तरक्की करोगे, कारोबार का अच्छा चलना और करियर में भी अच्छी खुशखबरियां सुनोगे। तो उम्मीद है आज की वीडियो आप तमाम को पसंद आएगी। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।